इश्क हूं मैं, हुस्न का दीवाना हूं, कभी आशिक तो कभी परवाना हूं। मेरे दिल से तारों ने चमक पाई है, मेरे प्यार से फूलों ने महक पाई है। हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं, दिल मेरे नाम कुर्बान किया करते हैं। आज ऑडिटोरियम में मौजूद सभी इश्क फरमाने वालों का मैं द टाइम्स सिग्नेचर की ओर से आयोजित आज की खूबसूरत रंगीन हसीन शाम, रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा, द रोमांटिक एंड सेंसुअल सॉन्ग से सजी इस महफिल में तहे दिल के साथ स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्यार का कारवां शुरू हो रहा है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, वफाएं, कस्में, रस्में, इन सभी के चिराग जो हैं जलाए गए हैं और आसमान के सभी सितारे मेरे सामने इस महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए पधारे हुए हैं। महफिल का पहला गीत ही उस नायिका पर पिक्चराइज किया हुआ है जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं, जिनको पर्दे पर देखकर भी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों से आ निकलती हैं। वो हैं मधुबाला जी। मधुबाला जी की पर फिल्माया गया आज उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह बहुत ही खूबसूरत नायाब गीत आज इस महफिल की शुरुआत करने जा रहा है और इसे प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम प्रियंका मित्रा ऑन स्टेज। Mm-hmm.
आइए मेहरबान बैठिए जाने जान, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। कहते हैं कि इश्क में इम्तिहान न लो सच्चों का, इस इश्क ने तो सर झुका दिया है अच्छे अच्छों का। भई आज तमाम इश्क फरमाने वाले लोग ये जानते हैं कि तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, इनको हसीन और हमें मेहरबान बनाया। जब से हुस्न इस दुनिया में आया है और इश्क वाले उनकी तारीफ करते आए हैं। आज महफिल में भी ऐसा ही गीत आ रहा है जो हुस्न की तारीफ में डूब चुका है। हालांकि केवल यहाँ पर मानवी जो है जो भावनाएं नहीं तो कहीं साजों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि सैक्सोफोन बातें कर रहा है एकॉर्डियन से। आज एकॉर्डियन यहाँ पर नहीं है और वो व्यक्ति भी इस दुनिया में नहीं है जिसने ये एकॉर्डियन बजाया था। आज उनका भी जन्मदिन है। वो थे इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन केरसी लॉर्ड साहब। तो भाई आज उनकी भी यादें जो हैं जवां हो रही हैं इस महफिल में इस गीत के साथ। लीजिए पेश खिदमत है फिल्म आराधना का ये बड़ा ही लाजवाब गीत, जिसे प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हम सभी के दिलों के चहेते फनकार। जब भी महफिल में आते हैं चार चांद लगा देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम आलोक काटदरे ऑन स्टेज। मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आँखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। वाओ थैंक यू। आज इस महफिल की शोभा बढ़ाने के लिए कई हुस्न वाले यहाँ पर आए हुए हैं। राधिका जी आई हुई हैं उनके पास, साथ में और भी रोहिणी जी भी आई हुई हैं। देखिए बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, ये मेरे आंखों के लिए अच्छा नहीं, दिखते रहिए ताकि मेरी आंखें साफ बनी रहें। देवियों सज्जनों आज ये खूबसूरत टाइम सिग्नेचर की महफिल सजी हुई है वैलेंटाइन डे के अवसर पर। रोमांटिक गीतों का खजाना और सेंशुअल गीतों का खजाना लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं और महफिल के इस मोड़ पर आमंत्रित कर रहा हूँ उस गायिका को जिसे सुनने के लिए केवल हम ही नहीं सारी दुनिया वाले दीवाने हैं। क्या कहते हैं, चांद चमकती धूप भी चांदनी सी लगती है,
चमकती धूप भी चांदनी सी लगती है, इनके साथ हमारी दुनिया भी नई सी लगती है। बड़ी अजब सी बरकत बख्शी है खुदा ने इनके गले में, गाती हैं तो रोशनी सी लगती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली शैलजा सुब्रमण्यम। जुल्फों का अंधेरा ना घबराए, जहां तक महक है मेरे गीतों चली आए। ये है रेशम जुल्फ होती हैं ये जुल्फें, अगर सुलझ जाए तो दिन निकल जाता है और उलझ जाए तो रात होती हैं। हाय ये जुल्फों के बारे में क्या कहें दोस्त साथियों। वैसे जिंदगी का ये वो खूबसूरत मकाम जब किसी से आंख लग जाती है और जो है प्यार हो जाता है। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लोग चल चल कर संभलते क्यों है और जब डरते हैं तो घर से निकलते क्यों है। मोड़ जवानी का होता है संभलने के लिए और सभी इस मोड़ पर आकर फिसलते क्यों हैं। तो भाई ये मोड़ बड़ा ही खतरनाक होता है और इसका जवाब देने के लिए एक गीत आ रहा है महफिल में अब, और इस गीत को पेश करने के लिए शमा को जलाकर परवाना आया है, आपके खातिर एक दीवाना आया है। इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है मुझे कि आज जंगल में एक शेर पुराना आया है, जैसे वो कल थे वैसे ही आज नजर आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम चेतन राणा ऑन स्टेज।
करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में हो ना कुछ तेरे बस में चूली ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है वैसे किस चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है वैसे किस चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में ना कुछ तेरे बस में चूली ना कुछ मेरे बस में। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तेरी याद में सबको भुला दूं दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। आ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दो। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में ना कुछ तेरे बस में चूली ना कुछ मेरे बस में। जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवार
जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। दिल क्या करें भाई, केवल गीत के बोल ही प्यार को बयां नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे भरत जी की जो बांसुरी है उसमें और रंग डाल रही। क्या बात है, तालियों के हकदार हैं ये। दिल क्या करे भाई, क्या कर सकता है दिल, हमारे सीने में तो जेठालाल का दिल है। ये दया भाभी को देखे कम, बबीता को देख के ज्यादा धड़कता है। ऐसे दिल वालों की ये महफिल सजी हुई है। और किसी ने कहा है कि हमारा दिल जो है मोबाइल के ब्लूटूथ की तरह जैसा होता है, जिसकी रेंज केवल 10 मीटर तक ही होती है। जब तक पत्नी साथ में ये कनेक्टर रहता है, पत्नी जैसे ही दूर, सर्चिंग अदर डिवाइस। तो ये डिवाइस बनाने में माहिर है, इसका क्या पूछे क्या करें यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, सोचिए अगर इस दुनिया में मोहब्बत नहीं होती तो क्या होता, क्या होता। मोहब्बत नहीं होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन कहता। ये मोहब्बत तो करिश्मा है कुदरत का, वरना एक मजार को ताजमहल कौन कहता। भाई इसीलिए मोहब्बत है, और मोहब्बत है करके हम है, आप है, सारा जहां है। और लीजिए इस मोहब्बत का कारवा आगे बढ़ रहा है प्रसून जोशी जी के लिखे इस खूबसूरत गीत के साथ। इस गीत के लिए प्रसून जोशी जी को 2005 में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म है हम तुम, और इस खूबसूरत नायाब गीत को आपकी नजर कर रहे हैं प्रियंका मित्रा एंड आलोक काटदरे। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए।
आंसू में ढलने दो जरा। जो मजा हम में है वो ना ही तुझ में है ना मुझ में है। जी हाँ, जब ये दो दिल हम बन जाते हैं तब जीने का एक अलग ही मजा होता है। मशहूर शायर आमिर खान ये कह गए हैं कि फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही ये प्यार जवां होता है। ये प्यार की बातें ओठों पे नहीं आती, ये फसाना तो नजरों से बयां होता है। भाई प्यार में नजरें मिलना बहुत जरूरी है और फिर दिल से दिल मिलते हैं, इसी बात का इजहार हो रहा है इस गीत में जिसे प्रस्तुत करने के लिए शैलजा जी और चेतन जी मंच पर आ रहे हैं। तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला बहकने लगा। से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला बढ़ने लगा। लगा
फारसी भी है। जो भी होना है तो होने दे दिलरुबा, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस ऑडिटोरियम में न जाने कितने कपल्स बैठे हुए हैं, कितनों ने लव मैरिज किया होगा, कितनों ने अरेंज मैरिज किया होगा। लव मैरिज करने वालों को मैं ये पूछना चाहूंगा, प्रपोज किसने किया था, लड़के ने या लड़की ने? लड़के ने, लड़की ने। जिसको लड़की ने प्रपोज किया है वो खुशकिस्मत आदमी है भाई, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि लड़की जब प्रपोज करती हैं तो भाई अच्छे अच्छों की हालत जो है ढीली हो जाती है, और लड़कों को भी जब ये नौबत आती है कि प्रपोज करना है अब इसे, तो उनकी भी हालत पतली हो जाती है। तो भैया एक गीत ऐसा आ रहा है जिसमें जो है लड़की हावी हो रही है, और इस गीत को हमने चुना है देव साहब की फिल्म ज्वेल थीम से। जी हाँ, आशा जी का वो बेमिसाल अंदाज आपके नज़र करने के लिए फिर एक बार, जिनको आशा जी की ओर से शाबाश की हासिल हुई है, ऐसी हमारी प्रियंका मित्रा मंच पर आ रही है। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कही है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है।
थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कलम की दुनिया में, शायरी की दुनिया में, गीतों की दुनिया में एक हिंदुस्तान के बॉलीवुड की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम वो है गुलजार साहब का। गुलजार साहब की कलम क्या लिखती है कभी कभी समझने में आधी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन बड़ा कमाल के लिखते हैं। हवाओं पे लिख दूं हवाओं के नाम, भाई क्या सोच है उनकी। मोरा गोरा अंग ले ले मुझे श्याम रंग दे दे, देन उन्होंने इजाजत में एक बहुत ही बढ़िया गीत जो दिया और पंचम दा को एक चैलेंज मानो दिया था उन्होंने कि मेरा कुछ सामान। वैसे आगे चलकर भी उन्होंने एक गीत लिखा और ये चैलेंज स्वीकार किया एआर रहमान साहब ने, और देखिए इतना कामयाब रहा ये गीत कि साधना सरगम जी को इस गीत के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आइए ऐसी एक अलौकिक रचना जो है फिल्म साथिया से आपके नजर हो रही है और इसे प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आ रही है शैलजा सुब्रमण्यम। दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके फिर मेरी बातें करना, यारा लाल से दिल करना, लंबी जुदाई तेरी बड़ा मुश्किल है, आहों से दिल भरना, यारा लाल से दिल करना, कब ये पूरी होगी ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, तो सफर करना यारा रात से दिन करना, चुपके से रात की चादर पहने जान के भी हटना हो बादल के पीछे चले, जले खतरा खतरा गले खतरा खतरा, रात मिलानी ले आगे आगे, रात मिलानी ले आगे आगे, चुपके से लग जा गले करना।
कुछ बिना पगनी पुरवई तुझ बिना पगनी पुरवई आके मेरी चुनरी में भर गई तू कभी यार रहमान साहब की डिजिटल ट्यून पर इस गाने को सेट किया था बिल्कुल, और ये इतना ही नज़ाकत भरा गीत रहा मानो हमारा ये प्यार भरी जिंदगी भी इतनी नज़ाकत भरी रहती है। बस उसी इसमें हमें चलना है, दायरे कहीं होते हैं, दायरा छोटा नहीं होता, तभी ये प्यार जो है बरकरार रहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार लड़की ने वैलेंटाइन डे के अवसर पर मंदिर में गई और भगवान से कहा कि हे भगवान मुझे एक समझदार बॉयफ्रेंड दे दे। भगवान ने कहा वो अगर समझदार होगा तो इस लफड़े पे नहीं गिरेगा, जा बेटी जा। लेकिन क्या जानते हैं आप समझदार कौन होता है, लड़की या लड़का? मोस्ट ऑफ पीपल क्या कहते हैं? पीछे से आवाज आ रही दोनों के माँ बाप। लेकिन ज्यादातर ये ऑब्जर्व हुआ है कि लड़की बहुत समझदार होती हैं, और इस बात को बयां कर रहा है ये गीत जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं ये दो लड़का लड़की। आओ ना दिल है बेकरार
जाने कहा फिर कहा ऐसी तन्हाइयां। ओ जाने भी दो छोड़ो मुझे होंगे रुसवाइयां। ना नहीं नहीं कभी नहीं मत करो इनकार। नहीं नहीं अभी नहीं थोड़ा इंतजार थोड़ा इंतजार थोड़ा इंतजार थोड़ा इंतजार। वो थैंक यू थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थोड़ा इंतज़ार आप सभी को करना पड़ेगा क्योंकि वन मोर गीत आ रहा है। हाय हाय अभी करो इंतज़ार। शादी के पहले हर लड़का रांझा और हर लड़की हीर होती हैं। शादी के बाद कैरेक्टर बदलते हैं। लड़का अमोल पालेकर हो जाता है और लड़की बिंदु बन जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन आज देखिए प्यार मोहब्बत इश्क का ये कारवां चल पड़ा है और इस महफिल में एक अनोखे गीतों में एक और अनोखा गीत जो है जिसका इजाफा यहाँ पर हो रहा है। एक्चुअली ए आर रहमान साहब के बने गीत लाइवली पेश करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर बनता है क्योंकि कुछ ट्यून्स उनके डिजिटल रहे हैं, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये काम केवल अनुपम घटक जी को ही आता। देखिए रागदारी में बना ये गीत है, राग पूर्वी धनश्री बरा पुरिया धनश्री में ये गीत बना है। और इस गीत को पेश करने के लिए सबसे पहले तो मैं चेतन जी एंड शैलजा जी से गुजारिश करूंगा कि आप दोनों मंच पर आए और सबसे पहले तो वो राग के अंदाज जो हैं स्वरों के अंदाज जो हैं हमारे लिए पेश करें।
तालियां चाहिए सामने। हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। वंस मोर तो बनता है भाई, जोरदार तालियां। जो हाल दिल का उधर है वो हाल दिल का इधर भी है। सो आइए सुनते हैं इस गीत को।
ऑडिटोरियम लाइट। तुझको खबर है ये तुझको पता है जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है। मुझको खबर है ये तुझको पता है जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है। दीवाना तेरा बेखबर हो रहा है जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का बेखबर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है जाने दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का इधर हो रहा क्या बात है भाई। सुशांत भी अपने आप को रोक नहीं सके हैं और उन्हें यह करने में मजबूर किया आप लोगों ने क्योंकि आप सभी यहां पर आए हैं द टाइम सिग्नेचर के द्वारा आयोजित शाम में चार चांद लगाए हैं। कहते हैं मोहब्बत की दुनिया में हुस्न की बर्क चमकती है, समझ में आया? कहते हैं मोहब्बत की दुनिया में हुस्न की बर्क यानी कि बिजली चमकती है, नूर की बारिश होती है, हर यहां आह एक नगमा होता है और हर अश्क मोती कहलाता है। तो ये प्यार करने वालों की दुनिया है और आज देखिए इस दुनिया में चंद इन गीतों के द्वारा हमने ये खूबसूरत शाम सजाई है। रेशमी उजाला है और मखमली अंधेरा है। लीजिए इस कारवां को आगे बढ़ा रहा है एक और बहुत ही खूबसूरत गीत जिसे प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आ रहे हैं मेरे दोस्त चेतन राणा जी। आप लोग डर के ताली बजा रहे हैं। वैलेंटाइंस डे है और वी आर ऑल वैलेंटाइन सो यू शुड एंजॉय दिस इवनिंग। और अनुपम घटक जी ने बहुत ये खूबसूरत गाने जो सजाए हैं आई थिंक द क्रेडिट गोज टू सुशांत धोन एंड अनुपम घटक। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लवली म्यूजिशियंस recreate the song list, that's what I mean to say. Chahiye another song. Pyar manga hai tumhi se inkaar karo प्यार मांगा है तुम्हीं से मैं इनकार करो पास बैठो जराज तो इकरार करो प्यार मांगा है तुम्हीं से मैं इनकार करो करो
मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, इतना हसीन पाया, साथ हंसी होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, यार मांगा है तुम्हीं से, इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, यार मांगा है तुम्हीं से, इनकार करो। कॉलेज गर्ल, कॉलेज के दिन ही आपको याद आए होंगे, कितना खूबसूरत गीत चेतन भाई ने सुनाया। कॉलेज के ज़माने में हर लड़का यही गीत गाता है लड़की को देखकर, और लड़की भी हो जाती है उस पर फिदा और वो बन जाते हैं शादीशुदा, फिर वो रफ़ी साहब का गीत गाता है। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल। 10 साल के बाद सब कुछ यूज टू हो जाता है, तब वो मुकेश जी का गीत गाता है। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़। आगे आप गुनगुनाई। खैर, आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, और इस दिवस पर प्यार करने वालों के लिए एक अच्छा सा शो हो जाए, महफिल सजाई जाए, ये ख्याल 3 महीने पहले सुशांत धोन जी के ख्याल में आया, दिमाग में आया, जहन में आया, और उन्होंने ये भी सोचा था उस वक्त कि यार ये कोई सैटरडे नहीं है, वीकेंड नहीं है, लोग आएंगे, पहला सवाल। लेकिन हमने कहा उनसे मोहब्बत की है, ज़रूर आएंगे, और आज इतने बड़े मोहब्बत वाले सभी यहां पर आए हुए हैं इस महफिल की शान बढ़ाने के लिए। रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा, ये टाइटल सुनकर आपको भी कुछ हुआ रहेगा दिमाग में कि ये क्या टाइटल है। मैंने उनसे पूछा, सुशांत जी से, सुशांत जी ये टाइटल आपके जहन में कैसे आया, रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा, आप तो कोई शायर तो है ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि रेशमी उजाला यानी कि प्यार, जवानी, और मखमली अंधेरा यानी कि मिलन, रोमांस। वाह, क्या खूबसूरत मिलन बनाया इन्होंने, और यही गीत जो आज की इस महफिल का टाइटल गीत है आप सभी की नजर हो रहा है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए शैलजा सुब्रमण्यम मंच पर आ रही।
जेंटलमैन, यहाँ पर हो रहा एक छोटा सा मध्यांतर जो केवल 15 मिनट का है। इसमें आप गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म समोसे का आनंद लीजिए। एक बार आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इतनी ध्यान से बैठ जाए ताकि जो है आने वाले गीत का हम मजा ले सकेंगे। चाय अच्छी थी, सैंडविच अच्छा था, पॉपकॉर्न भी बहुत अच्छा था, समोसा गर्म था या नहीं था पता नहीं लेकिन आने वाला गीत जो है ये दिल को छू लेने वाला है। सच्चे प्यार की दास्तान जो है आने वाले पहले इस गीत के शेर में ही छुपी हुई है और इस खूबसूरत नायाब गीत को आप सभी की नजर करने के लिए मैं मंच पर फिर एक बार दावत दे रहा हूँ प्रियंका मित्रा। हमसे रोशन हमको दामन समझिए गैरत का, उठ गए हम मगर जमाने से नाम मिट जाएगा मोहब्बत का, दिल है नाजुक कली से फूलों से
शुक्रिया भाई, ऐसा प्यार शायद ही किसी कलाकार को मिलता है और आज इतनी तालियां बरस रही हैं, क्या कहें।
ये मोहब्बत भी नसीब वालों के लिए है। कहते हैं कि मोहब्बत मुकद्दर है, ये कोई क्या कहते हैं ख्वाब नहीं, ये वो शय है जिसमें हर कोई कामयाब नहीं। जिन्हें पनाह मिली है उन्हें उंगलियों पे गिन लो, जो तबाह हुए हैं उनका कोई हिसाब नहीं। फिर भी लोग मोहब्बत करते हैं, क्या करें, मोहब्बत चीज ही ऐसी है। और आज तो पूरा आलम जो है मोहब्बत से भरा हुआ है, हर दिल जो है नशे में चूर है प्यार के, और इसी बात को बयां कर रहा है ये महफिल में आने वाला गीत, जिसे प्रस्तुत करने के लिए मैं चेतन राणा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पर आए और इस समा को बयां करें। समा है सुहाना नशे में जहां है, समा है सुहाना सुहाना नशे में, इसको किसी खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवान है, समा है सुहाना सुहाना नजर से अफसाने कह रही है, नजर नजर से अफसाने हो रहा है असर ये जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर सुहाना सुहाना नशे में जहां है। किसी ने कहा है कि मोहब्बत नशा है खता है, अरे हमें भी पता है क्योंकि हमने की है। मिलते हैं सिर्फ आंसू और थोड़ी सी खुशियां, लेकिन इसके
अंजाम में कुछ अलग ही मज़ा है। और आज ऐसे मोहब्बत भरे दिल जो हैं इस महफिल की शान बढ़ा रहे हैं, और आज मोहब्बत के नगमे जो हम आपकी नज़र करते आए हैं एक के बाद एक, और आज जैसे इतने खूबसूरत ऑडियंस मिली है, यकीनन ये रात बड़ी अनोखी है हम सभी के लिए। यूँ तो कई रातें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस रात का महत्व कुछ और है, जिसे पेश इस गीत के ज़रिए हम आपकी नज़र कर रहे हैं, और इस गीत को प्रस्तुत कर रही हैं प्रियंका मित्रा। तारीफ किसकी करें, प्रियंका की करें या नागेश कोई इनके करें, दोनों तालियों के हकदार हैं। कोरस ऑफ कोर्स वीना एंड सोनल के लिए तो तालियां बनती हैं भाई। आज
इतने प्यारे ऑडियंस बैठी हुई है, हर चीज को परख रही है, देख रही है, सुन रही है। वीना जी एंड सुरन जी, थैंक यू सो मच। और इनके और दो साथी हैं, राहुल एंड नितिन जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए प्लीज। राहुल जी हैं और नितिन जी ग्रीन रूम में है, बिजी हैं वो। थैंक यू सो मच भाई। वैलेंटाइन डेज का इतना क्रेज होता है कॉलेज के लड़कों लड़कियों में। मैंने देखा स्काई वॉक पे एक लड़का लड़की की आंख में आंख डाल के ये पूछ रहा था कि जाने मन तुम्हारी आंखों में सारा जहां दिख रहा है। मैंने पीछे से कहा जरा देख, पार्लियामेंट ट्रैफिक है क्या? लोग इतने दीवाने। 1992 में एक फिल्म बनी थी खिलाड़ी, वीनस कंपनी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी और इस फिल्म का जो प्रमोशन वो कर रहे थे कुछ अलग अंदाज से कर रहे थे। उन्होंने एक कंपटीशन बनाया, खिलाड़ी कंपटीशन, जिसमें ऑल इंडिया की सिंगिंग टैलेंट को परखा गया। देखिए जजेस थे आशा भोसले, सुरेश वाड़कर जी, खयाम साहब एंड रविंद्र जैन जी, और सभी में से कुछ 12 सिंगर्स को चुना गया और 12 लोगों ने जो है केवल खिलाड़ी के ही गाने गाए थे जो आज इस महफिल में पेश होने वाले। और उनमें से दूसरे नंबर पर चुने गए वो फनकार जिनका नाम है आलोक काटदरे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वंस अगेन आलोक काटदरे। और वही गीत आज वो इस महफिल में गा रहे हैं। वाह क्या मौका मिला है। और साथ देने के लिए शैलजा जी भी हैं, तो इस गाने का रुतबा और भी बढ़ने वाला है। नशा है लता है, मोहब्बत है।
देखा तेरी मस्त निगाहों ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था तू। अरे क्या करे, गाना है सर। हैं? अरे दोस्तों देखो, आप धड़कने तेज हो जाने दो, प्यार में होश खो जाने दो। ये कैसे गाऊं? हाँ ऐसे गाऊं, धड़कने तेज हो, नहीं हो सकता ना, वो फील आना चाहिए ना बॉस। हाँ क्या बात है, घर पे ऐसे रिहर्सल नहीं करता है, डायरेक्ट लाइव टेक, डायरेक्ट टेक, डायरेक्ट टेक, वन टेक। देख भैया, जो तू धड़काने वाली बात कर रहा है ना, ये दिल तब धड़कता है जब कोई ठुमक ठुमक कर चलता है। क्या बात है, कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है तो नदाकत, और कदम कितने भी संभल के चलो। आए हाय, कदम रुक रुक के चलते हैं, कमर बलखाई जाती हैं। वाह वाह, शायराना अंदाज यार सब में बसे हुए हैं। देरी है तो बस मौका मिलने की। लेकिन मजा आता है जब ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये जो धड़कन है, हालांकि ये गीत इतना सेंसुअल है, जिसमें जो हमारी मेलोडी है उसका साथ दे रहे हैं यहाँ पर तबला, और तबला जो है हमारे दिल की बात कह रहा है। हाय हाय, भीमराव जी एंड शशि जी बैठे हुए हैं। आ हा हा हा,
सब लोग रोमांटिक हुए अभी, देखना है एक एक। और बांसुरी आपके लिए है, आप दोनों के लिए बांसुरी है, और हमारे लिए प्रियंका मित्रा है। आइए प्रियंका जी। शशि ऐसा करते हैं, बीवी को भी नहीं करते। आइए सुनते हैं क्या हो रहा है अब। थैंक यू भाई। सभी की आंखों में माधुरी दीक्षित आ रही थी, वो सोच रहे थे कि थोड़ा स्क्रीन वगैरह होता तो और मजा आता। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये संगीत का जादू है जिसे हम महसूस कर रहे हैं इन शब्दों के साथ, साजों के साथ, आवाज के साथ। लीजिए, वैसे बरसात का मौसम इतना प्यारा मौसम होता है, प्यार करने वालों की पूछो मत। बारिश गिरी कि नहीं लोग भीगने चले आते हैं, लेकिन कुछ लोग खिड़की से देखते हैं, मजा आता है उनको भी। लेकिन जो बारिश में भीगना चाहते हैं, भीगने वाले हैं, उनके लिए ये नगमा है जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं फिर एक बार आलोक काटदरे, और उनका साथ दे रही हैं शैलजा जी। रातों में मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़। अंदाज हम सुनने वाले हैं शैलजा जी की ओर से,
कमाल का गीत है ये, और जितना कमाल का गीत है उतने ही कमाल भरे अंदाज के साथ पेश करने वाली हैं शैलजा जी, जिसमें हमारे सभी म्यूजिशियन जो हैं साथ देने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, किसी को कहिएगा नहीं। Thank you.
क्या बात है, क्या बात है भाई। उन्होंने ये अनमोल रचनाएं बनाई है और हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं वैसे की वैसी आपकी दिलों तक पहुंचाई जाए। थैंक यू सो मच। मैं सुशांत को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा एक बार, प्लीज। सुशांत तारी दियो प्लीज। एंड हम लोग बचपन से हम लोग साथ में हैं, एक ही कॉलोनी में बड़े हुए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, चार दिन पहले तक देयर वाज नॉट अ सिंगल बुकिंग, सिंगल बुकिंग नहीं बोलूँगा बट बुकिंग अच्छा नहीं था। लेकिन आज इतने लोगों को देख के, बिकॉज आज अंगारिका है, ट्यूसडे है, वर्किंग डे है, स्टिल यू पीपल हैव बीन हियर। थैंक यू सो मच। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाएं प्लीज। एंड वन मैन शो है, अकेले ने पूरा जो भी ये सब तामझाम सब कुछ, किसी ने कुछ नहीं, एक ही आदमी इसी ने किया है, सुशांत धोंड ने। थैंक यू वेरी मच सुशांत। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। बट और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अनुपम अभी इतना जोर शोर से यहाँ पे परफॉर्म करना है, दो दिन से बीमार है, गोलियां खा के, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खा के जीता हूँ, ये हाल है। लेकिन फिर भी देखो किस तरह से जो एनर्जी है, हैट्स ऑफ टू हिम एंड हिज टीम। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्टर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, स्पॉन्सर्स एंड यू लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कैमरामैन जो काफ़ी देर से खड़े हैं, हमें इस शूट कर रहे हैं, और दूसरे फोटोग्राफर हमारे साटम साहब और कारवा जो है आगे ले चलता हूँ। क्योंकि कल जब हम बातें कर रहे थे तो अनुपम जी ने एक बहुत ही अच्छी बात वहाँ पे छेड़ दी। उन्होंने कहा हमें बड़ा ही नाज है दो बहनों पर, लता जी एंड आशा जी, जो एक सीधी सादे लिबास में साड़ी पहनकर माथे पे बिंदी लगाकर स्टूडियो में आती थी और ऐसे गीतों को अंजाम देती थी कि हम अगर ये गीत गाने लगे तो हमें मुश्किलें हों, और इतनी नज़ाकत वो अपने आवाज़ के ज़रिए भर देते थे कि आज भी जो है ये भावनाएं दिल में खिल जाती हैं। तो आज लता जी का गाया हुआ ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं और इसे प्रस्तुत करने आ रही हैं प्रियंका। सो आइए मजा लेते हैं इस गीत का भी। Thank you.
तालियों के हकदार सभी म्यूजिशियंस ऑफ कोर्स, ये तमाम इश्क जाते हैं जो अपने साधों से इश्क करने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं कितने परवाने जल गए राज ये पाने के लिए, ये शमा जलने के लिए है या जलाने के लिए। देखिए हमारे आलोक और चेतन भाई दिख ही नहीं रहे, लेकिन शमा जो है जल रही है अब हमारे शैलजा एंड प्रियंका जी की आवाज के साथ। एक और बहुत ही खूबसूरत गीत जो है शैलजा जी हमारे नजर करने जा रही हैं फिल्म अनामिका से।
अब तो ये आखिरी जितने नगमे हैं सारे वंस फोर होने वाले हैं, मुझे पता है, यकीन है। थैंक यू। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत सजा आने वाला गीत है। प्यारेलाल जी ये बात कहते थे अपने इंटरव्यू के दौरान कि जब गाना बनता है तो पहले हम मेलोडी और रिदम को एक जान बनाते हैं, अगर ये मिल गई तो गाना सुपर हिट। और देखिए आने वाला गीत जिसमें रिदम जो है गाने के बोल बोल रहा है और कितनी नजाकत ला रहा है इस गीत में, एक अलग मजा जो है समाया हुआ है। आइए इस गीत को आपकी नजर करने के लिए चेतन राणा एंड प्रियंका मित्रा मंच पर आ रहे हैं। करने वालों के आड़े कभी मजहब आया, कभी दौलत आती है, कभी खानदान की इज्जत आती है, लेकिन हर तूफान का सामना करने की ताकत रखते हैं ये प्यार करने वाले। और जब ये ताकत जुनून में बदलती है, ये प्यार जुनून में बदलता है, तो जीत हासिल होती है, मानते कि नहीं। और तब होता है जश्न मोहब्बत का कुछ इस अंदाज के साथ जो आज इस रेशमी उजाला और मखमली अंधेरे में होने जा रहा है। तो लीजिए पेश खिदमत है यह जश्न मोहब्बत आप सभी के लिए हमारे सभी साजिंदे फनकारों की ओर से। सोचा था जैसा दुख तेरा आया ना सुन हमको,
खुली है शरम गोरी गोरी ये बाहें करती है यू और मैं तूने जब गोरे लगा तो हो ही गए हम तो हम एक हो गए हम और तुम तो उड़ गए नंदे रे और हर की पायल वासी में तो कंगन खन के रे हम्मा ये पैरी बारों ने तुम पे दुनिया निकले तुम पे जवानी धीरे धीरे मुझम मछले रे हम्मा तो ये प्यार का जश्न आपके जीवन में यूं ही चलते रहे इसी दुआओं के साथ हम आप सभी से इजाजत चाहते हैं प्यार का सफर यूं ही बरकरार रहे हमारा और आपका और इस सफर में हर खूबसूरत मोड़ पर दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी धन्यवाद शुभ रात्रि जय हिंद।